एक बकरी की मां शेरनी और चालाक धोखेबाज शेर। एक बदुभन जंगल में काफी सारे जानवर रहा करते थे और वो जानवर बिना किसी डर के उन जंगलों में बेफिक्र होकर घूमते थे, क्योंकि उस जंगल की महारानी थी एक शेरनी। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे और इसलिए वो जंगल के हर जानवर का ख्याल रखती थी। और एक दिन उस जंगल में एक शेर आ जाता है और वो कई दिनों से काफ़ी भूखा होता है। तभी उसे कई सारे जानवर दिखाई देते हैं और वो सारे जानवर राजकुमारी की निगरानी में ही रहते हैं। और फिर वो भूखा शेर कहता है, अरे वाह, इतने सारे जानवर, इनका शिकार करने में तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन इन जानवर और शेरनी के बीच मुझे अपनापन दिखाना होगा, इन्हें मुझ पे शक नहीं होना चाहिए। और फिर शेर बड़े ही प्यार से वहां जाता है और बोलता है, माफ कीजिएगा, आप लोगों के बीच आने की गुस्ताखी चाहता हूँ। मेरा नाम सिम्बा शेर है और मेरे माता पिता ने सबकी इज्जत और मदद की है, और इसलिए मैं भी सबकी इज्जत और मदद करना चाहता हूँ। अरे वाह, तुम्हारी सोच तो बड़ी ही अच्छी है, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। अगर आपको कोई एतराज न हो तो मैं इन जानवरों की मदद करना चाहता हूँ। हमें कोई एतराज नहीं। और तभी से वो शेर उन जानवरों के हर काम में उनकी मदद करता है और सारे जानवर उस शेर के काम से बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि शेर उनसे मीठी मीठी बातें करता था। और फिर एक दिन सारे जानवर शेरनी के पास पहुंचते हैं और शेरनी से गाय कहती है, शेरनी, सिम्बा शेर तो बड़े ही अच्छे हैं, वो हमारा बहुत ही ख्याल रखते हैं, और हम सब की राय तो यही है, आप तो उनसे शादी कर लीजिए। हाँ शेरनी, गाय सही कह रही है, इस जंगल में शेर और शेरनी दोनों ही हो जाएंगे। और वो शेरनी ये बात सुनकर राजी हो जाती है, और ये बात शेर को पता चलती है तो शेर बहुत ही हंसता है। अब तो मेरा काम और भी आसान हो गया, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। और फिर शेर और शेरनी की शादी हो जाती है और वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। इस बात को बहुत दिन हो चुके थे, फिर शेर कहता है, अब बस बहुत दिन हो गए, इन सभी जानवरों का शिकार करने का समय आ गया है। और तभी एक गाय जंगल में अकेले ही घास चर रही थी, इतने में शेर आ जाता है। वाह, आज तो गाय अकेली है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और फिर वो गाय के पास तुरंत पहुंच जाता है और गाय सिम्बा की दहाड़ देखकर घबरा जाती है। और जब गाय सिम्बा की तरफ देखती है तो सिम्बा एक ही वार में उसे गिरा देता है और उसे मार देता है। और यहीं सिम्बा शेर गाय को मजे से खा रहा होता है तो पीछे से एक बकरी और उसका बच्चा आ गया होता है, और ये बात देखकर उसका बच्चा घबरा कर भाग जाता है। और फिर तभी बकरी सिम्बा के पास जाती है और कहती है, ये तुमने क्या किया शेर महाराज, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ओह, तो अब तुम मुझे बताओगी अच्छा और बुरा। और सिम्बा उस बकरी को भी मार देता है। और इधर बकरी का बच्चा रोते हुए शेरनी के पास आता है और शेरनी को सब बता देता है। क्या सिम्बा सिंह ने तुम्हारी माँ और गाय दोनों को मार डाला? वो शेर गद्दार निकला, अब उसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। और तभी शेरनी अपने कुछ जानवरों को लेकर शेर के पास पहुंचती है, और शेर जब शेरनी को देखता है तो देखकर दंग रह जाता है। आखिर तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई, तुमने हमें धोखा दिया। शेर, अब तुम्हारा जीने का कोई अधिकार नहीं है। और फिर शेरनी शेर को मार देती है और वहीं उसका अंत हो जाता है। और फिर शेरनी और बाकी सारे जानवर अपने घर वापस लौट आते हैं।
बेटा, मैं जानती हूँ तुम बिल्कुल अकेले हो गए हो, लेकिन अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। और तभी से वो बकरी का बच्चा शेरनी का बच्चा हो जाता है, और वो सारे जानवर भी अपने जंगल में हंसी खुशी खेलते रहते हैं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।